हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसे और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल, और देखने जा रहे हैं लड्डू मार होली इन बनारस। तो देखते हैं बरसाना। तो उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भाई जिस जिसके पास जितनी भी होली की वीडियो है ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये वो वाली कढ़ैया है जिसमें मतलब टीसू का रंग ये पूरा बनाया गया है। सबसे पहले इसमें टीसू में घूल डाले हैं, फिर उसके बाद इसको उबाला गया है। उबालने के बाद सभी ड्रमों में मात्राओं में मिलाया गया है। लगभग 27 ड्रम है यहाँ पर। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो ये आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में, श्री धाम बरसाना से। डेली तो हम ब्लॉग बनाते हैं वृंदावन से, आज हम बना रहे हैं बरसाना धाम से। आज का दिन जो सबसे ज़्यादा सुंदर है वो इसलिए क्योंकि आज बरसाने में लड्डू मार होली है। यहाँ की बरसाने की गोपियाँ जो है मतलब ठाकुर जी को निमंत्रण देने के लिए नंदगांव जाती हैं, और वहाँ से मतलब निमंत्रण दे करके आती हैं कि आइए ठाकुर जी महाराज को बोलते हैं फाग, फाग आमंत्रण, फगुआ देने जाती हैं, और वहाँ से आने के बाद तुरंत यहाँ पर आती हैं और लड्डू मार होली होती है बहुत सुंदर। तो मतलब पहले ठाकुर जी महाराज होली खेलने के लिए आएंगे यहाँ पर, और उस दिन मतलब लड्डू मार होली भी होगी कल के दिन। तो फिलहाल अभी हम आपको आनंद कराते हैं लड्डू मार होली के। अभी अपन आए हैं, बहुत ही सुंदर जगह है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जब डंडे लता पताओं के बीच में। वृंदावन से हमारे साथ में आए भैया आदित्य जी, और उनके एक मित्र आए कोटा से, और हमारे अक्षत जी आए मथुरा से। राधा रानी हमारी जय हो। महाराज चक बोली खेलनी है एकदम, लड्डुओं के लिए थैला भी लेके आए हैं ताकि भरने में आसानी हो, चक के जो भरो। तो ये यहाँ पर बरसाने में ब्लॉग तो अभी अपन ने शुरू कर लिया है, अब हम आपको यहीं से आनंद कराएंगे पूरे लड्डू मार होली के, अभी से लेकर के संध्या तक। राधे राधे जय हो। तो आप सभी को यहाँ पर दर्शन कराते हैं गिरिराज जी के। जय हो गिरिराज जी महाराज की जय। भैया फिलहाल अभी अपन निकल चुके हैं अपने आश्रम से, यहाँ से अभी अपन धीरे धीरे करके चलते हैं, सामने ही आपको श्री जी महल बरसाना देखने को मिल सकता है। बरसाने की एक एक गली में इतनी भीड़ है कि आपको क्या बताएं, मगर इस गली में देखिए बिल्कुल कोई भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल शांति वाली सुकून आ रहा है। जैसे इस गली से बाहर निकलेंगे तुरंत भीड़ भीड़ में पहुंच जाएंगे। हैं कैसे लग रहे हैं? अरे एक तुम ही तो बढ़िया लग रहे हैं। चकाचक आनंद आएंगे आज आपको, ऐसी वीआईपी एंट्री दिखाएंगे जीवन में ना किसी ने की हो ना किसी ने देखी हो। हाँ सीधे मंदिर, सीधे मंदिर, सीधे मंदिर चलना भी नहीं पड़ेगा, उड़ के जाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ पर देखिए बरसाने की गली में सबसे बढ़िया काम ये किया है, यहाँ पर रज डलवा दी है, लोगों को चलने में आसानी रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं वो क्या मतलब भक्त लोग गालों में गुलाल लगवा के घूम रहे हैं। ये वाली जो कैप है ये नाथ द्वारा की स्पेशल पैक है, पैक कह रहा हूँ कैप है, इसको पाग बोलते हैं नाथ द्वारा की, ये स्पेशल पाग है, इसलिए पहन करके आए हैं ताकि मतलब रंग नहीं लगे ऊपर। श्री जी महल बरसाना की ऊपर छतरी पर आ चुके हैं, सामने आप देख सकते हैं इसको छतरी कहते हैं, छतरी के पास तक आ चुके हैं, अभी ऊपर और चलते हैं श्री जी महल में। श्री जी की अटारी पर यहाँ पर कुछ अपने भक्त सब्सक्राइबर जन्म रहे हैं। श्री अरबाई जय हो। होली का आनंद लिया है ठीक है महाराज, बोलो हरी के रसिया की। भैया अभी अपन जा रहे हैं यहाँ से बरसाना मंदिर की मतलब पीछे वाले रास्ते से, रसोई के रास्ते से जाएंगे। देखो भाई जब क्या लड्डू लुटेंगे अभी पूरी ऊपर छत से। तो भैया लड्डू होली प्रारंभ हो गई देखिए छत से। तो भैया बड़ी मुश्किल के बाद अभी अपन आ चुके हैं, वो लड्डू फेंक रहे हैं। ओ यार कितनी जोर से होली हो रही है, लड्डू फेंके जा रहे हैं, आप देखो कितनी भीड़ है। भैया ये देखिए लड्डू लुटाए जा रहे हैं श्री जी महल की ओर से। भैया भीड़ में पूरा चश्मे का एक लेंस भी गया है। भैया सबसे पहले श्री जी के दर्शन करते हैं पास से बिल्कुल। भैया लाडली जी की अटारी पर आ चुके हैं, देखिए सबसे पहले आप दर्शन करिए श्री जी की अटारी के। अब आपको यहाँ से पूरा बरसाने का व्यू दिखाते हैं, लड्डू मार होली का आनंद कराते हैं आपको देखिए। और जो समाज व्यवहार हो रही है ना वो सबसे ज्यादा एक नंबर।
ओए हो ये ऊपर से भी फेंक के जा। यहाँ पर देखिए श्री जी के टारी में क्या आनंद की वर्षा हो रही है, देखो चंगा चंगा आनंद आ रहा है, एक नंबर की आनंद यार। ये ऊपर पहुंचना बड़ा काम होता है, कैसे आनंद ले रहे हैं होली के। अरे जय हो प्यारे, जय हो श्री जी की अटारी की, जय भैया यहाँ से बैठ के आनंद लेंगे, जय हो महाराज। मतलब यहाँ पर जो गोस्वामी जी जाने ना, उनकी हाथों पर जो पेटियां रखी हैं उसके अंदर ही लड्डू रखे हैं, देखो यहाँ से लड्डू लटा रहे, देखो एक दूसरे में मार के। गलत बात देखो सबसे ज्यादा क्या है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखो श्री जी के बिल्कुल मंदिर में जूते पहन करके अपनी ड्यूटी कर रही है, कितनी बड़ी बात है। देखो श्री जी के बिल्कुल जस्ट सामने मारो, ये लड्डू तो हमारे लिए है के लड्डू मारो, लेके लड्डू जरूर पाओ आप भी मानसिक रूप से, हम तो पा ही रहे हैं। भैया देखिए श्री जी मिल गए, क्या आनंद है, बहुत राश है। रंग है ये सही किया जो वाइट कपड़े पहने। भाई अपनी हंसी है, भाई का बहुत कॉन्फिडेंस है, तीन ही एक बार पकड़। भाई का सब्सक्राइबर है। अच्छा ये बैठे हुए हैं, गहरे कर यार अमल पानी, गहरे हमारे रसिया हो प्यारे रसिया। रानी के हम चाकर, हाँ माल जी का लड्डू प्रसाद पाएंगे अब। और ये यहाँ पर देखिए टेसू के रंग है श्री जी के, ये रंग देखिए हमारा कल के लिए है टेसू के रंग है। चला ना ना इनको नहाए, इनको आ देखो वाला तो नान मार के ऑनर तो जी है हमारा, हमारा मेरो पा है मेरो पापा भैया जी, तो जो ज्यादा ही डर गए वो हमारा ये सब ऐसे होंगे। यहाँ पर देखिए श्री जी के बरसाने में टेसू के रंग हो रहे हैं, जो कि कितने सारे ड्रमों में आप देख सकते हैं। देखिए आइए इनको थोड़ा सा इनका आनंद लेते हैं, हमारे गोस्वामी जी महाराज बताएंगे इस टेसू के रंग के बारे में। भैया टेसू के फूलों का रंग और इसको श्री जी के प्यार का रंग कहा जाएगा, और इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर एक महीने पहले टेसू के फूलों का रंग जो है वो पानी में इन ड्रमों में घोल दिया जाता है, और फिर उसके बाद आग लगाकर उबाला जाता है, उबाल कर फिर इसमें इत्र
केसर चंदन राधा रानी जी की प्रसादी करके इसको फिर नंदगांव के जो हुरियारे आते हैं तो उनके ऊपर बरसाया जाता है, जो कि कल बरसाया जाएगा, जो कि 18 मार्च को बरसाया जाएगा। शुभारंभ 18 मार्च आज हमारे गोसाई मतलब पूरा नाग ही लेना तो भी मतलब एक भी साइड इफेक्ट नहीं होता इस रंग का। रंग पक्का होता है मगर पक्का होने के बावजूद भी बहुत आसानी से छूट जाता है। यहाँ पर अच्छे दिए आ ही गए। उबालने के बाद सभी ड्रमों में मात्राओं में मिलाया गया है। लगभग 27 ड्रम है यहाँ पर बरसाने में। देखिए भैया क्या फूल है, अंदर दिखो, अंदर दिखा, ये टेसू के फूल है। जी तो यही तो अच्छी बात है कि बोलो ना आवे तब भी बोल रहे। एक बजे क्या हो, योगी जी को हेलीकॉप्टर जो है फूलों की बरसात करेगा। वाह महाराज, श्री से समाज जो है, जो राजे महाराजे इनके जो नगाड़े होते थे, नगाड़े के साथ जो है ढप नगाड़े के साथ जो है पूरी चौपाई चौपाई सवैया गाए जाएंगे, वो आनंद बरसेगा। जो है गलियों में होंगे, हर चौराहे पे जो है डांस होगा। क्या बात है, सारे बचेगी धूम, क्या बात है, वो आनंद बरसेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वाह बिल्कुल महाराज। भैया हमारे मथुरा के भी एक भगत जी यहाँ पर मिले हैं बरसाना। राधे राधे, जय राधे, आनंद ले रहे हैं। बोलो राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय। और ये यहाँ पर श्री जी महल की अटारी पर इतने सुंदर आनंद ले जा रहे हैं। यहाँ पर अभी अपन ने खूब रंगों से वीडियो भी बनाई और पता जो करके उड़े लागू ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बाकी है का है भारत में गुलाल वर्दी, बाकी भारत में सेंटर ना हो रहा। तो ये हमारे मित्र वृंदावन के हमारे मित्र कुणाल ने हमारे ऊपर ही लाल हो ऊपर डाल लिया, लाल ही लाल हो गए हम भी। ये देखिए अंदर बंदर में यार ये सीन है। यहाँ पर भी आराम कर रहे हैं श्री जी के महलों में। देखिए नीचे यहाँ पर श्री जी के महलों तुम दर्शन करो। क्या अभी तक लड्डू फेंके जैसे आनंद यहाँ है वहाँ कैसे कहीं नहीं, और इनके जैसे हैं जैसे किसी के नहीं। सच बता रहा हूँ मैं, जैसे आनंद इनके हैं वैसे किसी के नहीं है। पूरे मंदिर में किसी को देख लो ऐसा क्यों, कोई इतने आनंद से कैसे लेट हो। आप देखो वहाँ वो देखो एक नजारा और एक नजारा देखो। अब ऐसे आनंद पूरे मंदिर में कोई के होंगे बताओ, कोई की सकल पे दिख रहा है इतना रिलैक्स। केवल ये है हमारे भैया। तो ये श्री जी की संध्या आरती का समय आ चुका है, अब हम आपको संध्या आरती के दर्शन कराते हैं। तो ये श्री जी की संध्या आरती के दर्शन करते हैं, आरती का समय हो चुका है। देखिए समाज गायन पूरा हो गया है। यहाँ से अभी आप देख सकते हैं बरसाने के सभी गोस्वामी और ब्रजवासी यहाँ से ढप लेकर के जा रहे हैं। अभी बरसाने की गलियों में बजाएंगे अभी ये नीचे बहुत ही ज्यादा आनंद भी बरसेगा, गुलाल भी खूब उड़ेगा। एक नंबर चौपाई, तुमने एक चौपाई की एक लाइन सुनी अभी और नीचे सुन लेना पूरी गली ऐसी गूंजेगी गूंज। मैंने पिछले साल मतलब जो आज के दिन की समाज है ना वो गली में सुनी थी, बहुत ज्यादा गुलाल उड़ता है महाराज, बहुत ज्यादा उड़ता है। पिछले साल मैंने सुनी थी। तो वही अभी अपन राजभोग प्रसादी के अभी अपन संध्या में पा रहे हैं, मतलब अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और अभी अपन को थोड़ी सी भूख लग रही। वाह यार बेस्ट व्लॉग देखने को आज मिला है, क्योंकि हम एक ये वाली जो होली है ना इसको काफ़ी मिस भी कर रहे थे और ये देखना भी चाहते थे कि जो एक लड्डू की होली होती है लड्डू मार। और एक यार इतने ज़्यादा लड्डू हैं, बहुत ज़्यादा लड्डू हैं, हर तरफ एक लोगों को दिए जा रहे हैं, एक जितना लड्डू मारते हैं ऊपर से मतलब फेंकते हैं ताकि आगे को कैच भी कर ले, या मतलब एक जिस तरह एक रस्म है नहीं, फुल इंजॉय हो रहा है लोगों के ऊपर। एक रंग फेंके जा रहे हैं, लड्डू फेंके जा रहे हैं, फूल फेंके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक यहाँ पर रश होता है यार, इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं ना।
ऐसे भर जाता है पूरा मंदिर भी, सारा जितना भी एरिया है यार, कमाल हो जाता है। एक अगला जो दिन है ना 18, आज का दिन मतलब, इसमें जो एक होता है ना वो पानी ऊपर से ऐसे फेंकते रंग मार लठ मार, उससे अगले दिन मुझे लगता है ये बाकी यार। अब देखो ना अभी तक एक होली स्टार्ट भी, मतलब के स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी होली आनी है 25 को, तो अभी से भाई एक मतलब के मेन होली है भाई वो तो, लेकिन अभी से ही भाई स्टार्ट हो चुकी है मतलब के रस्में अपनी जो पीछे एक होली की होती हैं। लेकिन लड्डू मार वाकई भाई काफी है, कमाल की दिन भी रखा गया और नाम भी दिया लड्डू मार, और भाइयों ने तो भाई पूरा एक काटन ही खत्म कर दिया लड्डू मार मार कर। और भी लोग मतलब कि जब से भाई इंटर हुए ना तब से एक लोग लड्डू दे भी रहे, मार भी रहे एक दूसरे को, और अच्छी बात है यार। अभी तक देखो कितना रश है, अभी तक नहीं आनी है होली, काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये सारा दिन चलता होगा इस तरह, फिर शाम को आपने जिस तरह आरती है उसके बाद जो है ना वो गलियों में जिस तरह बता रहे थे कि वो फिर गलियों में निकल जाते हैं, और एक बरसाना की जो गलियां हैं वृंदावन शायद कहीं आसपास हो, फिर वो अलहदा है क्योंकि वो उस वहाँ पे भी होली होती है ना। ये पहले ये कोई मुझे लगता है हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिस वजह से ये ज़रूर बताइएगा। बाकी ये कि भाई वो सीन भी काफ़ी देखने में, जब वो गलियों में बजाते होंगे जो उनके हाथ में है वो, उसके अलावा नेक्स्ट जब आएगी भाई वो एक लठ मार जो है ना वो भी काफ़ी एक देखने वाली, ऊपर भी कोई लोग देखेंगे जो एक करंट का होगा। लेकिन ये कि भाई मज़ा आ गया पहली दफ़ा देखिए ये लड्डू मार। हाँ पहले तो मेन होली भाई एक कवर करते थे उसकी वीडियो देखते थे, लेकिन ये नहीं पता था इस बार हर साल एक्स्ट्रा होती हैं चीजें, नई से नई चीजें। लेकिन जो रंग तैयार किया जाता है ना वो काफी नेचुरल है, एक महीना पहले ही उसकी तैयारी एक शुरू की जाती है। लेकिन बेस्ट व्लॉग था, एक काफी चीजें देखने को मिली, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।